हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको सिखाऊंगा 100 शीट में से वी लुकअप लगाना। जी हां, बड़े सारे लोगों ने मुझको पूछा कि भाई 5 शीट से 10 शीट से वी लुकअप कैसे लगेगा। मैं आज आपको 100 शीट से वी लुकअप लगाना सिखा देता हूं। अगर आप इतने बदकिस्मत हैं कि आप किसी ऐसे हेडक्वार्टर में काम करते हैं जहां पे कि आपको अपने 100 दफ्तरों का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं आपने मैच करना है। मान लीजिए कि जैसे ये आपके पास इतने सारे आपके दफ्तर हैं, हर दफ्तर का नाम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रखा हुआ है और सब आपको अपना डेटा भेजते हैं और आपको अपनी हेड क्वार्टर वाली शीट में उन सब दफ्तर की सेल का डेटा यहाँ पे टोटल दिखाना है और हर एक की इंडिविजुअल सेल्स भी यहाँ पे दिखानी है। मान लीजिए कि आप बेचते हैं आईफोन एक्स, S9 Plus, Xbox और PS4, तो ये हेड क्वार्टर की शीट है जो कि आपकी है। ये देखिए, इसका नाम भी लिखा और यहाँ पे इस कॉलम में आप टोटल लिखते हैं सारी सेल्स का और यहाँ पे हर ऑफिस का आपका डेटा है। Office 1 आप हैं इसलिए आप हेडक्वार्टर हैं और बाकी सारे ऑफिसेज का नाम Office 2, Office 3, Office 4 और ऐसे जाता जा रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे डेटा लगाने के लिए? आप वी लुकअप लगाएंगे। कैसे लगाते हैं? उम्मीद करता हूँ आपको वी लुकअप आता है। मैं थोड़ा बेसिक कवर कर रहा हूँ, अगर वी लुकअप ज्यादा नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं काफी सारा वी लुकअप सिखाऊंगा। तो आप वी लुकअप लिखेंगे और लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करेंगे? ये जो कि आपकी लुकअप वैल्यू है कि भाई मेरे को आईफोन एक्स का डेटा उठाना है, कॉमा कहां से उठाना है? तो आप अपने ऑफिस, कौन से ऑफिस का डेटा चाहिए? अभी 2 नंबर के ऑफिस का डेटा चाहिए, तो आप उसकी शीट में जाएंगे और ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट है। और जो आपकी क्वांटिटी है ये चाहिए आपको, तो ये कौन से कॉलम में है? 1, 2, 3। अब ये 1 से क्यों शुरू करा? जहां पे नाम होते हैं ना, जिसके बेस पे आप लुकअप लगा रहे हो, वो कभी भी 1 नंबर पे होगा। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हम comma 3, comma 0 लिखेंगे और ये देखिए ऑफिस नंबर हमारे पास 2 का डेटा आ गया। यहाँ मैंने पहले लगा रखा है, आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे ऐसे, तो ये देखिए हमारे पास पूरा डेटा आ गया। तो इसको मैं उठा के यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ये देखिए। अब Office 3 का वी लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा। ये मुश्किल तरीका है, अब आसान तरीका भी सिखाने वाला हूँ। अब 3 की फाइल खोलेंगे हम। करेक्ट है, 3 की फाइल खुल गई। यहाँ पे गए हमने, हमारा डेटा चुना पूरा एरिया, comma 3, comma 0 ये लगा दिया। वापस हेडक्वार्टर की शीट में गए आप और ये देखिए ये यहाँ का आ गया आंसर, यहाँ पे लिख दिया हमने। इसका फॉर्मेट सही कर देते हैं, इसके जैसा कर दूँ फॉर्मेट में, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखिए। अब ऐसे ही आप सारे ऑफिसेज का डेटा लगा सकते हैं। करेक्ट है, लेकिन एक तरीका और है। यू नो व्हाट, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना अब इस डेटा को कॉपी कर सकता हूं लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। कैसे? मैं एक बार और वी लुकअप लगाता हूं लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल से वी लुकअप लिखता हूं और मैं इस पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं। करेक्ट है, सॉरी, मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं ऐसे। मैंने 50 ऑफिस की लिस्ट यहां पे बनाई हुई है, आई एम श्योर ऐसे ही 100 भी बनाई जा सकती है। करेक्ट है, और मैं जाता हूं वहां पर जहां पर मेरा डेटा था, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहां पे मैं क्लिक करता हूं। तो मान लीजिए अब मेरे को आगे का वी लुकअप लगाना है तो कैसे लगाऊंगा? तो मैं करूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप, ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लूंगा और F4 दबा दूंगा। और अब मेरे को Office 4 में लगा रहा हूं, तो Office 4 की शीट मैंने खोल रखी है, ये रही, इसके डेटा में गया, सब सेलेक्ट कर लिया मैंने, comma 3, comma 0 एंटर, ये Office 4 का डेटा आ गया और मैंने कर दिया यहाँ पे इसको कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो फॉर्मूला है इसको देखते हैं हम यहाँ पे ध्यान से। ये देखिए वी लुकअप, ये वाली रेंज, ये शीट का नाम और कहाँ से लुकअप करना है वहां पे। अब जानते कि अगर मेरे को इसको सब जगह लगाना है ना, मैं सिर्फ शीट का नाम बदल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। वो कैसे? देखिए यहां पे सारे फॉर्मूला में, अगर सब फॉर्मूलाज में कुछ सेम है तो वो बाकी सब चीजें सेम है। बस क्या सेम नहीं है कि हमारा ये 3 है यहां पर शीट का नाम, यहाँ पे शीट का नाम 2 है, यहाँ पे शीट का नाम 1, तो यही वाली है ना हमारी। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर देता हूं सब जगह, ये देखिए ऐसे पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहां पे जाके 4 के बजाय इसको मैं कर देता हूं 5, शीट नंबर 5, तो ये शीट 5 का डेटा ले आएगा हमारे लिए यहां से। करेक्ट है,
इसको कॉपी कर देता हूं, अभी एनए आ रहा है, मैं बताता हूं क्यों आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि तो मैंने शीट फाइव ओपन नहीं करी। अगर मैं शीट फाइव ओपन करके रख दूंगा ना तो ये एनए भी हट जाएगा। देखिएगा ये देखिए हट गया। तो आप अपनी सारी शीट्स ओपन कर लीजिए और यहां पे इनको बदलते रहिए। अब मैं जैसे मान लीजिए शीट छह और सात ओपन कर लेता हूं, छह सात आठ नौ, एंटर दबाया, ये शीट्स मेरी ओपन हो रही हैं, ये हो गई यहां पर ओपन, ठीक है। और अब वापस मेरी मैं एचक्यू वाली शीट में जाता हूं और यहां पे देखिए ये शीट नंबर फोर के बदलाए कर देता हूं इसको सिक्स, और फॉर्मूला कर देता हूं यहां पे कॉपी, लग गया आसानी से। यहाँ पे सेवन, ये देखिए ये इस ऑफिस नंबर सेवन का डेटा आ गया। ऑफिस नंबर एट के लिए यहाँ पे कर दूंगा मैं एट, इसको कर दूंगा कॉपी। ऐसे आप अपना सारा काम कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। आप पूरे में जाके अपनी सारी जितनी शीट्स हैं उसमें जाके वी लुकअप ऐसे लगा लीजिए। ध्यान बस जो रखना है आपने, वो एक ध्यान रखना है कि जो वी लुकअप आप जब लगा रहे हैं तो ये जो डेटा रेंज है ना, ये एक ही जगह पे रहे तो बेस्ट रहता है, नहीं तो आप ज्यादा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा ज्यादा एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉमा जो भी क्वांटिटी का टेबल तो तीसरे नंबर पे रहेगा, इसके आगे कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, नीचे कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, गेटिंग इट। बस आप शीट का नेम बदलते जाइए और आपका वी लुकअप लगता जाएगा, और वी लुकअप की शीट जो है वो ओपन करते जाइए और ऐसे आपका सारा काम हो जाएगा। ये एक ट्रिक है जिससे आप 100 शीट 200 शीट जितने से चाहें उतने से वी लुकअप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये शीट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो चले जाओ myelesson.org पे। वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना। मेरे आने वाले नए वीडियोस को देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सारे वीडियोस मेरे दिख जाएंगे, 1000 के आसपास मेरे वीडियोस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। अगले वीडियो तक के लिए नाउ दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।